भोपाल राजधानी में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या नगर स्थित न्यू विजडम हायर सेकेंडरी स्कूल में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया और शिक्षकों के महत्व को उजागर किया। वहीं शिक्षकों ने भी बच्चों को आशीर्वाद देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण करके की गई। आज 5 सितंबर 2022 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मोत्सव पे पूरे भारतवर्ष में ही टीचर्स डे मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में भी टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है और ये 2 साल के बाद हम बच्चों के साथ टीचर्स डे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। सभी बच्चों को ये पूरा प्रोग्राम ही बच्चों के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है। सभी टीचर्स को गिफ्ट दिए जाते हैं बच्चों के द्वारा और इस बार बच्चे बहुत आगे बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं प्रदेश के भी सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एजुकेशन को सीरियसली लें, उसको बोझ ना समझें और ये समझें कि जो टीचर्स हैं वो उनके सपोर्ट के लिए हैं और वो अपना फ्यूचर सिक्योर करें। शिक्षक दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। पहली बार शिक्षक दिवस साल 1962 में मनाया गया था जब डॉक्टर सर्वपल्ली देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।